है गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, लास्ट वीडियो मैंने थोड़ा लंबा नहीं खींचना चाह रहा था, क्योंकि बीच में गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह वो चीज़ भी मैंने आपको दिखाई। ये नेक्स्ट वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आगे से, तो मैं आपको कम्प्लीटली मेला दिखाऊंगा यहाँ का, जो अपना लोकल मेला है सराह का, बावन द्वादशी पे जो होता है। तो आप बने रहे वीडियो में, काफ़ी ज़ोरदार कुश्ती होती है यहाँ पे, तो आप बने रहें। गाइस, यहाँ से मार्केट की ओर शॉर्टकट है, तो हम थोड़ा शॉर्टकट से निकलेंगे। ये शॉर्टकट था जो मेन मार्केट की ओर हम पहुँच गए। यहाँ पे मेन मार्केट में यहाँ से आगे आपको मेला ही स्टार्ट दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये सराह की मेन मार्केट है। गाइस, तो आपको पब्लिक थोड़ा लो दिख रही होगी यहाँ पे, बट द नेक्स्ट पे चीज की आपको पब्लिक अनबिलीवेबल दिखेगी। तो गाइस, यहाँ से नेक्स्ट पे स्टार्ट होता है और पब्लिक बहुत ज़्यादा भरी होती है इस साइड में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे जोड़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक तालाब है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। तो इसमें जो है, पिछले कल मैं जो है किश्ती का कार्यक्रम था, जो ये पार खड़ी है, इसका राउंड लगाते हैं पूरे तालाब का, लोग इसमें बैठ के एक तरह का रस्म जो है, मतलब यहाँ पे होती है ये पावन द्वादशी पे। तो ये यहाँ का फेमस जोड़ यानी कि तालाब है सराह का। पब्लिक जो है इस पेज पे बहुत ज़्यादा होती है आगे, भीड़ भड़ाका। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेले से जो है पब्लिक पूरी भरी हुई है। तो ये स्टार्ट हो चुका है, अब पब्लिक आगे से देख सकते हैं, पूरी मार्केट भरी पड़ी है। और आगे तो चलने के लिए भी बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है। तो बीच बीच में थोड़ा स्पेस भी है, तो हम जो है मेन मार्केट से बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं। तो बस स्टैंड के पास में ही जो दंगल होता है, तो वहाँ जाएंगे। गाइस, तो ये यहाँ का सराह का रेस्ट हाउस है ठहरने के लिए, यहाँ पे कोई भी ठहर सकता है आके, ये गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है। गाइस, तो मेले में आके हम अभी कुल्फी से स्वागत कर रहे हैं, ये रही और ये भाई खा रहा है। गाइस, तो ये कोई अतिथि थे, फिलहाल मुझे पता नहीं, उनको लेके जा रहे हैं। आओ, आओ। तो गाइस, ये अपना स्कूल है सराह का स्कूल। तो गाइज, इस तरह का कुछ रश पड़ा हुआ है यहाँ पे मेले में, कुछ शॉप्स जो है अभी लग रही हैं, काफ़ी शॉप्स जो है अभी लगना स्टार्ट हुई है और कुछ भरी पड़ी है। तो मतलब ये मेला कल तक और ज़्यादा भरने वाला है, आज इसका सेकंड है। तो ये यहाँ पे एक होटल भी है स्टे के लिए।
भाई बैठने के लिए तो गाइज ये जो है ये न्यू बस स्टैंड है यहाँ पे नीचे को, और इसी साइड में चल रहा है दंगल, तो देखते हैं क्या चल रहा है दंगल में। अच्छा कोई दंगल हुआ तो मैं वीडियो डाल दूंगा। तो गाइज यहाँ पे दंगल हो रहा है नीचे की साइड में, ये है दंगल का एरिया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो गाइज आप देख सकते हैं पब्लिक कितनी भरी पड़ी है, और दंगल यहाँ कुछ नीचे की साइड में, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सारी पब्लिक जो है दंगल को देखने के लिए भरी पड़ी है, तो यहाँ नीचे जाके आपको दिखाऊंगा मैं। और इस साइड में सारे मेला लगा हुआ है आगे तक 1 किलोमीटर के दायरे में। तो दंगल के जो अच्छे कोई कुश्ती लड़ेंगे तो उन सीन को मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो इस साइड से भी जो है दंगल देखने के लिए लोग खड़े हुए हैं। महाराज महाराज, तो आप देख सकते हैं साइड से भी दंगल को देखने के लिए पब्लिक खड़ी हुई है, हम भी थोड़ा शिरकत करेंगे जहाँ पे जगह मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी जगह मिली है, ये है दंगल का पॉइंट, और ये हो रहा है दंगल नीचे। पब्लिक आप देख सकते हैं कितनी भरी पड़ी है। तो ये सारी पब्लिक अंदर जगह नहीं मिल रही है, तो बाहर से ही खड़ी है पब्लिक, बाहर से ही देख रहे हैं आगे तक। यहाँ पे कुछ ब्लैंक एरिया है, थोड़ा क्लियरिटी जो है कम होगी, पर आप देख सकते हैं दो पहलवानों को। सनी पहलवान 16 झाड़ी, सनी पहलवान 16 झाड़ी, राहुल गांधी का कभी नहीं कहता जब पहलवान खड़े रहना है। पब्लिक आप देख सकते हैं कितनी भरी पड़ी है। और गाइस तो ये कुश्ती देखें आप, ये अभी स्टार्ट हुई है। तो मैं बाद में जाऊंगा नीचे नज़दीक से, मैं आपको दिखा दूंगा कोई कुश्ती, अभी दूर से जो है क्लियरिटी कम है। तो गाइज इस साइड में आए हैं हम झूले की साइड में, जहाँ झूले लगे हुए हैं आपको दिखाते हैं ये पॉइंट पे, यहीं ऊपर को दंगल हो रहा था और इधर को नीचे को ये झूले लगे, तो ये कुछ बच्चों के ही झूले लगे हुए हैं, ये सामने वाला और ये और ये नाव चलने के लिए तैयार है।
तो किसी ने भी रवाना हो ना हो तो इस नाव में रवाना हो सकता है। ये बच्चों का झूला और कुछ यहाँ की लोकेशन। ये बहुत ही पुराना टावर है BSNL का, कई सालों पुराना। तो गाइज ये यहाँ का बस स्टैंड है, इस साइड में नीचे बसेस लगे हैं जहाँ पे। तो गाइज कैसा लगा आज का ये वीडियो आपको? अभी हम थोड़ा कुछ खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, तो इस वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।